स्पीकर महोदय, मैंने जो मंत्री जी से प्रश्न पूछा है वो प्रश्न कोई एक बैंक का नहीं है। आप पहले प्रश्न को पढ़ो कि क्या लिखा है मैंने उसमें। मैंने लिखा है क्या वर्तमान में राज्य के किसानों पे कोई कृषि ऋण बकाया है? आपने एक बैंक का दे दिया, कितने ही बैंकों से किसान ने कर्जा ले रखा है। मैंने तो पूरे प्रदेश में कौन कौन से बैंक से ये क्या है कि जो आपने सरकारी जो सरकारी हमारे कोऑपरेटिव बैंक उनका ही मांगा है, बाकी कमर्शियल बैंक हमारे पास नहीं है। क्वेश्चन क्या आप उसको पढ़ो ना। बात तो मेरे क्वेश्चन की है कि मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, आप उसका आंसर क्या कर रहे हो? मेरे क्वेश्चन का आंसर तो नहीं आएगा। ये तो आपने सिर्फ एक आपने अपेक्स बैंक का दे दिया, बाकी कौन देगा? कोऑपरेटिव बैंक क्यों नहीं कर देंगे? कॉमर्शियल बैंक का तो हमारे पास नहीं है। अरे भाई, प्रदेश का किसान जो है अगर कोई कर्जा लेता है, मैंने स्पीकर महोदय साफ लिखा है कि वर्तमान में राज्य के किसान जो बैंक है, जो प्राइवेट बैंक है, उनकी डिटेल सरकार के पास जाती है क्या? बैंक जितना है नहीं, हर जिले का लीड बैंक होता है। हाँ जी, उसके पास सारी डिटेल होती है। ली जाए तो लीड बैंक से ले, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग लीड बैंक है, कहीं पंजाब नेशनल बैंक है। अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न सहकारिता मंत्री से पूछा गया। सहकारिता मंत्री का ये काम नहीं है कि वो हर एक बैंक से पूछेगा। अगर ये फाइनेंस मिनिस्टर से पूछ लेते तो शायद हम बैंकों से बात करके बात करते, तो सहकारिता मंत्री तो अपने सहकारिता बैंकों का ही देगा उत्तर। मामला किसान से जुड़ा हुआ है और कि भाई मैं फाइनेंस मिनिस्टर नहीं हूं तो इस बात से सारा नहीं दे सकता। मैं सारा नहीं दे सकता, जो मेरे पास है, जो मेरा महकमा उसका ही दूंगा। मैं सरकार का मंत्री है, दिखता तो चाहिए। ये मुझे पहले अंदेशा था कि मुख्यमंत्री जी बीच में खड़े होकर के यही बात कहेंगे कि ये सहकारिता मंत्री का काम भी है। अगर कोई ऋण बैंक से लिया है, बैंकों से संबंधित कोई बात है, किसान से जुड़ा हुआ मामला है, अहम क्वेश्चन है, उसका तो डिटेल कम से कम आपको पूरी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? आपने किसान की संख्या भी बहुत थोड़ी सी बता दी। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 19 लाख के लगभग किसान परिवार है और उसमें से वर्ष 2014 से जो राशि कर्ज के रूप में एक आदमी पे आती है वो आती है 99,212 रुपये। 2001 के बता रहे दूसरा जो है 2019 तक 5 वर्ष में यही राशि बढ़ करके 1,82,922 रुपया होगी, मतलब डबल होगी कर्जा जो है। अब रही बात आपको कितना कर्जा है किसान पे, आपने तो नहीं बताई लेकिन मेरे पास है, आप जरूर इसको पता करना। 31 मार्च 2021 सप्लीमेंट्री क्या है? सप्लीमेंट्री बताइए। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर ही नहीं है। नहीं तो जो पूछा तो, उन्होंने उसका उत्तर तो दिया। आपके अगर, आपके अगर, को बताना चाहता हूँ कि भी मिनिस्टर के पास तो नहीं है। नहीं, ये हम गलत कह रहे हैं। जो आपने प्रश्न पूछा है उसका उत्तर उन्होंने दिया है सहकारिता डिपार्टमेंट का। अगर आपको बाकी का नहीं देना, बाकी अगर आप पूछेंगे तो बताएंगे, जो पूछेंगे वही बताएंगे। पूछ लिया नहीं? नहीं पूछ लिया जो बताया। आपको यहाँ एट दिस स्पॉट थोड़ी उनके पास फिगर है कोई, वो अगर आप प्रश्न रखेंगे मंत्री के पास नहीं होंगे तो किसके पास? प्रश्न रखेंगे तो वो आपका आंसर देंगे। मेरी ख्याल इस मंत्री की जगह आपको बैठ जाना चाहिए। कोई बात नहीं, आप ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए आप जो व्यवस्था है उसके बीच में मैं व्यवस्था समझता हूँ। इस प्रकार के कमेंट्स नहीं करते आप इस प्रकार के कमेंट्स बिल्कुल नहीं करते। मंत्री से कोई चीज नहीं, नहीं, आप ये जो कह रहे हैं कि आपको मंत्री के स्थान पर बैठा दिया जाए, ये आपका ये मुख्यमंत्री कर रहे हो मेरी बात को? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्रश्न आपने पूछा, आप मैं तभी तो कह रहा हूँ कि आप मंत्री का बचाव करें, आप वहीं बैठ जाओ। नहीं, मैं मंत्री का बचाव नहीं कर रहा। जो आपने प्रश्न पूछा उसका उत्तर उन्होंने दिया। अगर प्रश्न पूछते समय आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या प्रश्न पूछ रहा हूँ और क्या चाहता हूँ। अरे भाई, विवाद तो वही है ना, मेरे क्वेश्चन का आंसर है ही नहीं। 31 मार्च 2021 तक
इसका जवाब यही है, इसका जवाब जो प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर दे दिया है। इसके अलावा कोई दूसरा प्रश्न है तो दोबारा लगाएंगे, आगे फिर सेशन आएगा तो पूछेंगे। अगर ये कोऑपरेटिव मिनिस्टर से ना पूछते, ये फाइनेंस मिनिस्टर से पूछते तो शायद हम वो सारे बैंक भी बताते जो कोऑपरेटिव के अलावा है। अब आज हाथों हाथ अगर ये कह रहे हैं तो इसका जवाब कोऑपरेटिव मिनिस्टर के पास नहीं होगा, फाइनेंस मिनिस्टर से पूछेंगे तो अगली बार सवाल लगाएं और उनका सवाल लगेगा तो जरूर बताया जाएगा। चलो सुप्लीमेंट्री बता दो मेरे भाई, मेरे सवाल का जवाब नहीं है। इन्हें कह देंगे मंत्री जी तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे कह देंगे, जो प्रश्न सवाल उसका जवाब दिया उन्होंने। इनका सवाल ये नहीं है, उन्होंने वार्ड इसका हरकों का उसका कितना लोन है ये तो नहीं है। नहीं, उन्होंने सहकारिता कि फार्मर्स के खिलाफ कितना लोन स्टेट कितना है कॉपरेटिव का, अध्यक्ष महोदय ये भी जरूरी है इससे क्या सवाल पूछना, इससे क्या सवाल पूछना, ये भी तो मेंबर की जिम्मेदारी है। टोटल लोन पूछा इन्होंने, नहीं उन्होंने सहकारिता मंत्री के पास तो कोऑपरेटिव लोन ही होगा, दूसरे बैंक का लोन नहीं है। ये था ये तो भाई मगर मुख्यमंत्री महकमे से कंसर्न नहीं है, इनका जवाब ये बनता। वो मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया तो मेरे महकमे से कंसर्न, मुख्यमंत्री तो इन्होंने कोऑपरेटिव बैंक का दिया जवाब, मुख्यमंत्री जी ने बता दिया कि मेरे महकमे से नहीं है, फाइनेंस मिनिस्टर ऐसा नहीं है, उनके महकमे से भी है, उनके महकमे का जो उन्होंने पूछा अपने महकमे का दे दिया। अगर पूछने वाला ही गलती करेगा तो बताने वाला गलती नहीं करेगा, पूछने वाले के प्रश्न का उत्तर देगा बताने वाला, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पूछने के प्रश्न पूछेंगे उसी का पूरी पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज की है, किस चीज की है। एट दिस पॉइंट मंत्री जी के पार्टली जवाब था, इन्होंने पार्टली नहीं है, पार्टली जवाब नहीं है, पूरा जवाब है ये, पार्टली जवाब नहीं, पूरा जवाब है ये, सहकारिता मंत्री से पूछा गया प्रश्न है। कलेक्टिव सहकारिता मंत्री ने जो उनका उनके डिपार्टमेंट के पास लोन है, जो बैंकों का लोन है, उसका जवाब दिया है। अगर पूरे प्रदेश के अंदर सभी बैंकों का चाहिए तो उसके लिए प्रश्न अलग से लगाना पड़ेगा। नहीं नहीं स्पीकर महोदय, ऊपर से पढ़िए, ऊपर से पढ़ो, ऊपर से पढ़िए, पहली लाइन से पढ़ो, क्या सहकारिता मंत्री से पढ़ा हूँ, क्या सहकारिता मंत्री, पढ़ो प्लीज टू सेट वेदर एनी एग्री, नहीं नहीं उससे ऊपर लाइन आउट उससे ऊपर पहली लाइन, पहली आपने पहली लाइन तो पढ़ते नहीं हो, क्या सहकारिता मंत्री कर गए, नहीं नहीं पशु के दूंगा 15 दिन अगर प्रश्न आएगा जो आपका प्रश्न आएगा आप 15 दिन सेशन को आगे बढ़ा दो, मैं दे दूंगा। हाँ लिखता है ये सवाल क्या है, सवाल है विल, सवाल सुनो पहला, विल द कोऑपरेटिव मिनिस्टर बी प्लीज टू स्टेट। अब कोऑपरेटिव मिनिस्टर से तो कोऑपरेटिव ही आएगा, कल को अब ये बैंकों का लोन किसी और मिनिस्टर से पूछोगे तो क्यों जवाब देगा वो। चलिए चलो सप्लीमेंट्री का तो दे दोगे, और तो कोई जवाब है ही नहीं। हरियाणा में पिछले 8 वर्षों से सहकारिता मंत्री जी आपसे जुड़ा हुआ सवाल है, इसके तो ऊपर के जाने वाली बात है। अब तक जितने लोगों ने आत्महत्याएं करी है उनकी संख्या 1400। ये प्रश्न के अंदर कहां है, सुन तो ले, अरे मैं वही आ रहा हूं। नहीं प्रश्न सप्लीमेंट्री क्या है, फिर वही बात आपको क्या है, आप अपनी सप्लीमेंट्री बोलिए, मैं सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूं, ये सप्लीमेंट्री नहीं है, ये प्रश्न से है ही नहीं, कितनी डेथ हुई है, इतने लोगों ने लोन लिया है, के अंदर है जितने लोगों ने लोन लिया उसमें कितनी डेथ हुई है, कहां इस प्रश्न के अंदर, मैंने ये पूछा है जितने लोगों ने लोन लिया उसमें जो मरे हैं सप्लीमेंट्री में पूछ रहा हूँ कैसे मरे हैं। नहीं आप प्रश्न पूछिए, उनका कोई कर्जा आप माफ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सप्लीमेंट्री नहीं है, ये पूछिए, आपको ये पता ही नहीं है, नहीं ये पूछिए ना, बोलना शुरू कर देते हैं, ये पूछिए आप, तो पूछ रहा हाँ जी, फिर वही बात है, आप पूछिए, आप प्रश्न पूछिए, आप बीच में प्रश्न पूछिए, प्रश्न नहीं सप्लीमेंट्री पूछूंगा, हाँ सप्लीमेंट्री पूछो, सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूँ, सप्लीमेंट्री भी प्रश्न ही होता है, सप्लीमेंट्री में है, हाँ जी मेरा सप्लीमेंट्री है, सरकार ये बताए कि कर्ज के कारण किसानों द्वारा की गई आत्महत्या या मृत्यु, क्या उसका कर्ज माफ करने के लिए सरकार के पास कोई योजना है, और कितने लोग मरे ये भी बता दें, क्या सरकार ने प्रदेश के किसानों पर कर्ज माफ करने के लिए कोई योजना है या नहीं है ये भी बता दें, क्या सरकार द्वारा अपने सत्र पे प्रदेश के किसानों की फसलों के बारे में न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद जाने को लेकर कोई कानून प्रावधान लाएगी या नहीं ये भी बता दें, ये है मेरा सप्लीमेंट्री,
और मरे हुए की संख्या भी बता दे, वो गलत बताएंगे तो मेरे पास आंकड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, हर एक प्रश्न के जो सीमित प्रश्न होता है उससे जुड़े हुए चीजें ही सप्लीमेंट्री पूछी जाती हैं। ये सब प्रश्न अलग अलग प्रश्न है, इन अलग प्रश्नों का उत्तर डिपार्टमेंट अलग प्रकार से देगा, नए प्रश्न के रूप में आएगा, क्योंकि कितने की डेथ हुई है कितने की नहीं हुई है ये विषय पहली बात तो कि आज इस हाउस के ऊपर नाम उत्तर दिया जा सकता, ये लैंड की स्थिति है और इसमें यानी क्राइम का विषय आएगा, सुसाइड का विषय आएगा, ये सब होम डिपार्टमेंट का विषय है, होम डिपार्टमेंट से बताएगा। और बाकी सारी चीजें भी जो लंबे प्रश्न ऐसे होते हैं, लंबे उत्तर होते हैं, उनका समय दिया जाएगा तो उसका उत्तर मिलेगा। ठीक है, इसको आप मंत्री भौजे एक मिनट जो तीन सप्लीमेंट्री अभय सिंह जी ने पूछी हैं, इनका आप जवाब 15 दिन के अंदर लिखित रूप में इनको भेज दें। हद होगी नहीं, ये तो दिवाली ही पिट गया। हाँ, 15 दिन बाद जवाब, निर्मल रानी जवाब तो आए नहीं। श्रीमती निर्मल रानी हो गया, आपका जवाब मिल जाएगा सप्लीमेंट्री का 15 दिन के अंदर। ठीक, श्रीमती निर्मल रानी।